कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहने वाली बिहार पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। गया से वायरल हो रही तस्वीरों ने बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं आरा में भी शराब माफिया के हमले से पुलिस की टीम बाल बाल बची। कैसे बिहार में पुलिस पस्त और अपराधी मस्त हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आगे आगे माफिया, पीछे पीछे पुलिस, खाकी पर माफिया भारी। पुलिस देखती रह गई, माफिया जेसीबी लेकर 9-2-11 हो गए। खेत के बीचों बीच भागती जेसीबी और पीछे पीछे पुलिस और लोगों का हुजूम, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बिहार में बालू माफिया के आगे कैसे पुलिस बेबस हो गई है, इसका जीता जागता उदाहरण है। दरअसल गया के बेलागंज थाना क्षेत्र के दलेलचक गांव में पुलिस अवैध खनन पर रोक लगाने पहुंची, तो बालू माफिया पुलिस से ही भिड़ गए। जैसे तैसे पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया, लेकिन बालू माफिया कहां हार मानने वाले थे, लगे पुलिस से दो दो हाथ करने। इससे भी जब मन नहीं भरा तो पुलिस को ही बंधक बना लिया। जनता की रक्षा करने वाले रक्षक कैसे चंद माफिया के आगे बेबस हो गए, जरा आप भी देख लीजिए। हाथापाई के बाद बालू माफिया जेसीबी को ले उड़े। हालांकि सूचना के बाद थाना अध्यक्ष सशस्त्र बल के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और बंधक बनाए जवानों को छुड़ाया, साथ ही तीन बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया। गया जैसी तस्वीर आरा से भी सामने आई, जिले के नाम ही बदले हैं, हालात वही, बेबस पुलिस और बेखौफ अपराधी। यहां पुलिस की टीम पर अवैध शराब कारोबारियों ने ऐसा पथराव किया कि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना इलाके के बिंद टोली में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही शराब तस्करों ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस के कई जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, अपराधी गिरफ्तार किए गए, 4 तस्करों को भी छुड़ा ले गए। सूचना मिली थी कि वहाँ दारू लोग बेचता है और दारू पीता है, उन्हीं लोग के लिए छापामारी में हम लोग गए थे। कितने लोग गए थे? हम लोग यहाँ से 10-12 आदमी थे। अच्छा जी, किसके टीम में? SIT टीम था, थाना का गश्ती टीम था। कितने लोग जख्मी? यहाँ पर हम लोग 4-5 आदमी जख्मी हुए। पुलिसकर्मी? जी। गाड़ी क्षतिग्रस्त? हाँ, गाड़ी क्षतिग्रस्त, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया। बेबसी और बिहार पुलिस का चोली दामन का नाता है। पुलिस पर पथराव और पुलिस से मारपीट की खबरें आम हो गई हैं। बालू माफिया हो या शराब तस्कर, हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े शराब तस्करी और अवैध खनन करते हैं, मानो कानून का जरा भी खौफ इनके अंदर नहीं है। गया और आरा की तस्वीरों ने पहले से सवालों के घेरे में खड़ी बिहार पुलिस प्रशासन को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों ही वारदातों से मन में एक ही सवाल आता है कि अगर रक्षक ही खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हों, तो जनता का क्या होगा।
गया से अजीत कुमार और आरा से विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।